शुरू से शुरू करते हैं, रिलेशनशिप से पहले क्या बिहेवियर होता है एज एन इंडिविजुअल? अच्छा, मेरे को पॉइंट हो गया। आई एम एज ओपन एज आई कैन बी विद एनीवन, आई एम ब्लंट, आई डोंट थिंक ऑफ अदर्स, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ माइन, बट स्टिल मेरा तो यही है। बट व्हाट हैव यू सीन जनरली अदर्स इन अदर्स? यार लवी डबी जाते, दे गेट टू चमी विद ईच अदर, दे गेट टू क्लोज, पोजेसिव इवन, व्हाई? आई डोंट गेट इट। ओके, मैं आहर बच्ची हूं। यार आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, एंड मैं सब कुछ बोल देती हूँ, लाइक अगला पिछला सब कुछ है। आई डोंट केयर कि सामने वाला बंदे की सामने क्या ओपिनियन बन रहा है मेरा, आई डोंट केयर अबाउट इट। उसके बाद जो है मैं ऑब्सेस्ड नहीं होती है, लाइक आई रिस्पेक्ट द पर्सनस पर्सनल स्पेस। बट व्हाट डू यू सी जनरली, सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, लाइक बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के पासवर्ड्स पासवर्ड एक दूसरे के पास है, फोन पासवर्ड सब कुछ, और टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी नहीं घुसा। रिलेशनशिप में आने से पहले वो बेहतरीन इंसान होते हैं आपको एडवाइस देने के लिए। Oh, once they're dating someone, the common all their intelligence is gone. Yes. I guess is gone. People who get like broke up, they give really amazing advice. Yeah. Single people, they're like, I'm experienced. Yeah, but but those people are experienced with shitty relationships. How can you give advice about stable ones? Yeah, don't. ऐसे बैंडर नहीं करो, क्या हो गया यार, बैश कर रहे हो तुम लोग मुझे, मेरा यही काम है। ओके, ऐसे नहीं बैश करो। सीम्स लाइक मेबी कोई एडवाइस किसी को समझ में आ जाए और उसका रिलेशनशिप आपकी वजह से अच्छा हो जाए। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने बुरे रिलेशनशिप में थे और आप किसी को रिलेशन एडवाइस दे रहे हो, व्हाट इफ दे गेट इनटू अ बेटर, यू नो, इन अ बेटर। अच्छा, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स जो कि कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड की वजह से मेरा रिलेशनशिप, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, people are really involved in others' relationship, like also from there, from the like clinic, like girlfriend to girlfriend, and they're like gonna interfere each and everything. So if you're telling that stuff of your guy's loving a girl, then third person, even if you're trying to be friend, let's say we are like अमूमन ऐसा होता है की अब आपकी बेस्ट फ्रेंड शी वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू बी मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट, और वही शख्स होगी जिसके साथ आप शेयर भी करोगे। अगर उसकी एडवाइसेस आपको लीड कर रही है उस रिलेशनशिप को खत्म करने तक, शी टू ब्लेम और नॉट? लेट मी टेल यू, नो आई एम नहीं, आप इतने अकलमंद हो कि आपको एडवाइस लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, दैट्स अप टू यू, राइट? बट मैं रिलेशनशिप के टाइम पे तो अकल गई भाड़ में, दैट्स रॉन्ग ना, यू हैव टू बी सेंसिबल अबाउट इट। नहीं नहीं, व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन शी इज राइट दैट यू आर नॉट इन योर सेंसेस टू थिंक अबाउट इट। अपना बताओ क्या हो रहा है, अपना बताओ। नहीं यार आई एम सिंगल, ठीक है, और ये कोई ऐसा सीन नहीं है, बस ये है कि मुझे अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। हर किसी की कहानी में विलन जो है वो थर्ड पार्टी होता है। एग्जैक्टली, यार सी दैट्स नाइस, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इवन इफ वी आर फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, दैट हैपेंस इफ दैट थर्ड पर्सन कम इन इट, तो हम अपनी चीजें बताते हैं। वी हैव टू, यू नो, गिव दैट प्राइवेसी टू ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअली कि यार उसको इसकी बात नहीं पता हो, क्योंकि वो नहीं पता होनी चाहिए, और इतनी आप में हो अंडरस्टैंडिंग कि आप वो गलत बात नहीं लेंगे। ओके, सो वी गोना बी रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट राइट नाउ, और हम बात ये करेंगे कि दिस इज ईच गिव वन एडवाइस रिगार्डिंग सच सिचुएशंस इन अ रिलेशनशिप, हाउ टू अवॉइड इट और हाउ टू हैंडल इट। स्टार्ट विद द ओनली एडवाइस आई वांट टू गिव इज बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, बी मतलब ओपन अबाउट एवरीथिंग, बी ब्लंट अबाउट एवरीथिंग। यू हैव टू सेट सम रूल्स, लिमिटेशन, गाइडेंस, कुछ भी रखो, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना टेबल पे सामने रखो। आई थिंक अगर आप इतना रिलेशनशिप में आ भी जाते हो तो एटलीस्ट आपको उसकी लाइफ के बारे में और उसको आपकी लाइफ के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। दे शुड बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट, कि आपका भरोसा तो रहे ना उस रिलेशनशिप। ट्रस्ट बेसिकली इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप, इफ देर इज नो ट्रस्ट इन दैट रिलेशनशिप, वाई आर यू इवन विद दैट पर्सन?
Vinish, I would say to the people who get committed at so early in their age, guys, don't do that. First, get to know the for that person. At least aapke itna sense. So if you are in university, then you can get committed. So I am not gonna give relationship advice because I've never experienced one. But I've seen a lot of illiteracy happening out there. So guys, please don't do that. Okay. Get to know that person. Don't be illiterate. That's all. Nahil, I just say that we respect each other's personal space. लाइक आप एक एज ए इंडिविजुअल भी कुछ हो रिलेशनशिप के बाद सब कुछ चेंज नहीं हो जाना चाहिए आप यू गेट वेरी डिपेंडेंट राइट यू गेट वेरी डिपेंडेंट लाइक एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करो बस पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करो दैट्स ऑल ओके एंड आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि यार एटलीस्ट रिलेशनशिप में आने से पहले गेट योर आइडिया ऑफ अ रिलेशनशिप क्लियर ठीक है And so this is going to be a wrap up. We're gonna invite all our guy friends now. Please, bahar aa jao. Guys, babies, come here. Also, we'd like to thank the spot for having us here again for this podcast. बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही peaceful है. It's neat. It's a good space, a good aura. Okay, so guys, one, two, three, go. The end. 3, 2, 1, guys, we are here today at the spot gaming arena जो है ये Khadda Market में and जैसे आप देख सकते हैं वो लिखा हुआ है The spot, the spot, the spot. And हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो शेरोज ने हमें पिच किया था शेरोज टॉपिक क्या था हमारे पास बड़ा बेहतरीन टॉपिक था पहले हमने 5 लड़कियों को बिठाया अब हमने 6 बॉयज को बिठाया हम बात करें लड़के और लड़कियां कितने डिफरेंट हो जाते हैं रिलेशनशिप के ठीक है बहुत ही गहरा टॉपिक है थोड़ी देर पहले बिल्कुल मेनस्ट्रीम नहीं डूब जाने वाला और बटन डिस्क की टीम जो है ना उसको स्पॉट बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला आपने देखा जिस लड़के आई थी हमारे पास बिस्मा यशल खतीजा मिनाहिल एंड हु एल्स वाज देयर ठीक है एंड नाउ वी हैव उस्मान यूसुफ उस्मान अली खान मूवी आवरो सैडी आल्सो नोन एज अहमद रजा खान शहरोज राशिद एंड हसन नकवी तो अब हम क्या बात करते हैं बॉयज अब हम लड़कियों की अब हम लोग बात करेंगे लड़कियां कैसे बदल जाती हैं रिलेशनशिप में लड़के भी कैसे बदलते हैं ऐसा होता है मैं स्टार्ट करूंगा हसन नकवी के साथ हसन नकवी साहब आप जो है हमारे टेबल में जो बैठे हुए हैं दो लोग अभी टेबल पे बैठे हुए हैं जिनकी माशाल्लाह से एंगेजमेंट हो गई है पब्लिक कर दो ना पब्लिक करना नहीं आता नहीं है टारगेट ऑडियंस कटवा देंगे सिंगल तितली तो असल में मैं ये जानना चाहूंगा कि आई एम श्योर क्या कहते हैं आप बताओ एक गाइस हसन आपसे स्टार्ट में करूंगा अब क्योंकि आप एक आपने यू हैव टाइड द नॉट ऑलमोस्ट तो आप मुझे बताएं कि क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप बीइंग इन एन एंगेजमेंट और से बिफोर हैंड अगर प्रीवियस रिलेशनशिप में क्या फर्क महसूस किया यार काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाती है और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें डिजास्ट्रस भी हो जाती हैं जैसे कि आपके एक दूसरे के खानदान का ख्याल बहुत करना पड़ता है हर इवेंट पे जाना पड़ता है जरूरी है जरूरी है यानी उधर के उसके कजन के कोई भाई के यहाँ भी हम जाएंगे कुछ कर नहीं सकते आप नाक नहीं कर सकते आप हाँ करेंगे तो आप तो वैसे ही फंसे तो आपके ऊपर और कोई जिम्मेदारी भी आ जाएगी formalities have to be fulfilled yes I agree with Hasan on that note even though I have been just recently engaged or as long as he has been but before that if we have already passed the torch but yeah काफी chaotic situation था वो भी अच्छी लगती वो भी अच्छी लगती वो भी अच्छी लगती नो बच्ची चेक तो हम लोग फिर है ना मसले में आ जाते हैं यानी अभी क्या करें और फिर जो हमें पसंद है वो वाइफ वर्सा नहीं होता तो उधर भी काफ़ी रिजेक्शंस आती हैं मसले आते हैं डिमांड्स होती हैं नीड्स होती हैं फुलफिल नहीं होती एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक्सपेक्टेशंस जनरल जो कि मीट नहीं कर पाते या तो लड़का या तो लड़की अब जाहिर सी बात है लड़कियाँ डिस्कस करी थी कि प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू है ठीक है कोई बोलता है फोन दिखाओ फोन नहीं दिखाते तो अभी लड़कियां डिस्कस की थी तो आई वाज ईवड्रॉपिंग तो मैं बोला भाई हाँ ये होता है आई एग्री कुछ लड़के भी करते हैं हाँ मैंने भी किया है मैं भी बड़ा हो जाता हूँ ठीक है आई एल बी ओपन अबाउट ठीक है बहुत लोग करते हैं आई एम नॉट डिफरेंट मैं भी इंसान हूं तो बाकी सैडी
सैडी भी बड़े एक एक्सपीरियंस है इस मामले में, सैडी अपना ओपिनियन क्या? मैं बोलता हूँ मेरा सिंपल ये है कि भाई एक हो ये एकदम से इसके चेहरे पे भी अफसुर्दी आ गई एकदम से, अफसुर्दा है ये अफसुर्दा नहीं यार, मैं समझता हूँ कि यार रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब आप उसमें ना एक तो आपके पास दो तीन चीजें जो आप उनके हिसाब से करते हो, फिर सिंगल के अंदर ना आप जो करना करो ठीक है, आपके पास कोई भी ना कोई मना नहीं है, जहाँ जाना है जो करो, जिसको जो लेके जाना है तो, लेकिन आप रिलेशनशिप में आते हो ना तो थोड़ा आपको देख संभाल के चलना पड़ता है कि यार नहीं यार आप इसके साथ क्यों गए थे, इसके साथ क्या था, ये सीन है, वो क्यों थी, कि नहीं तो उसकी बनी है, बहुत सारे एग्जैक्टली, बट आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर, पार्टनर कैसा, अंडरस्टैंडिंग मैटर, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अच्छा एक चीज मैंने लड़कियों को सुना था, वो डिस्कस करी थी कि लड़के जो है वो बदल जाते हैं, वो ज्यादा पोसेसिव हो जाते हैं जब वो रिलेशनशिप के बाद, ऐसा है, एग्रीड, टोटली, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कह रही थी कि उससे पहले वो बिल्कुल ही ओपन होता, कहते हैं किसी से भी बात करना है कर लो, लेकिन जब उनकी थोड़ी सीरियस रिलेशनशिप होती है तो वो कहते हैं कि वो बदल जाते हैं, वो कहते हैं इससे क्यों बात कर रही थी, तो नहीं उससे क्यों तो बात कर रही, और वो ये कहती है कि लेकिन तुम्हें तो पहले तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब मसला हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? इनसिक्योरिटी, यस, बिकॉज़ वी आर टू आउट ऑफ देयर लीग, ठीक है, वी थिंक देयर इज सही, यू आर जो बात सही है, जो बात है, बिकॉज़ वी थिंक दैट समवन एल्स वुड सी इट, ठीक है, दैट्स नॉर्मल एक प्रोसेस बंदे का दिमाग में आता है, ठीक है, कि भाई हम थोड़े कम है, वो थोड़ी ज्यादा है, and you know she would do way better than that, this is cycle you want matter karta, but ek commitment bhi to hai, bahut matter karta hai, aap commit ho rahe ho to expect bhi karo na ki dusra bhi isi tarah act kare jis tarah aap act kar rahe ho, insaan hai yaar, I really can't say, I wish agar aisa hota in a perfect world, but we don't live in a perfect world, so I think that's my side of the story, Mohi would you like to elaborate or pass it on to Usman, but now this